ये वाले उतने यानी कि ख़त्म काम होता रहा, यानी कि ज़्यादा से बोले पैदा हो गए तो हमने ये छोड़ दिया आरटीआई सिखाना। तो लेकिन आज मेरे साथ बलबीर अग्रवाल जी हैं, जो 2006 से लगे हुए हैं, 2006 से लगे हुए हैं, इतनी आरटीआई लगाई हैं, इतनी आरटीआई लगाई हैं कि ट्रक भर जाए, और सभी डिपार्टमेंट वाले जानते हैं, और इनसे मैं बातचीत करूँगा। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हम भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, और जहाँ पर नगर निगम के दफ्तर में खड़े हैं तो कहते हैं लुधियाना में अगर सबसे भ्रष्टाचार का अड्डा है तो वो नगर निगम है, जहाँ पर कोई काम नहीं होता तो नगर निगम है। और उसके बाद हमारी आम आदमी पार्टी वाले हैं, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बना दी है कि आपने घर बनाना है उस पर 60,000 रुपये लगाना है, 1,00,000 रुपये ये मांगते हैं एमएनसी देने का, यानी बेड़े बह गए। तो बिजली मुफ्त मिल रही है तो बाकी पैसा भी तो कहीं से इकट्ठा करना है ना आम आदमी पार्टी ने। तो ये एनओसी लेने के लिए आपको 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा, छोटा सा घर बनाना है आपने, एक ईंट आपको पड़ेगी 100 रुपये की। तो मैं अपनी अपना अग्रवाल जी से बात करूँगा और ये बताएंगे मेरे को क्या क्या देखने वाला है या क्या क्या होने वाला है आगे समय। और देखिए बलबीर अग्रवाल जी आरटीआई एक्टिविस्ट ने, मैं जितना थोड़ा पहले दसिया, बलबीर अग्रवाल जी दसो ये चोर बाजारी ये जड़ा कुछ हो रहा है करप्शन बेईमानी, आप इतने खड़े हैं घर के बच्चे जिते सारा काम होंगे है, कमिश्नर साहब जी को जाओ, कमिश्नर साहब जी को टाइम नहीं है, ज्वाइंट कमिश्नर को जाओ वो इन फाइलों लैके बैठा होंगे वह टाइम नहीं है। ये जे IAS अफसर ने PCS अफसर ने किताबें पढ़िया हुई ने, जाने के प्रैक्टिकल कुछ नहीं जानते, ये इन्होंने किताबा रखते हैं फाइलों के बच्चे ही लोगों को गवा देंगे ने, जब तक लोगों का काम नहीं होगा तो कुछ नहीं बनूगा। तुम ए दसो मैं तुम की कहना चाहते हो अज के करप्शन के बारे, बेईमाना के बारे, इस हालात के बारे, आम आदमी पार्टी का राज है कुछ बनया कि नहीं बनया? मैं 2006 तो आरटीआई एक्टिविस्ट, जो 2005 का एक्टिविस्ट 11 अक्टूबर बनया, 2006 तो आरटीआई ला के मैं इन्ना रिकॉर्ड इकट्ठा किया जिन्ना रिकॉर्ड इन्हों को नहीं होना कारपोरेशन का, सारे महकमे का किया मैं, किसी तरह का भी छड़िया नहीं। लेकिन कारपोरेशन के बीच सारे महकमे इन को 18-20 महकमे आ, मैं सरकार को कहना चाहना भी इनू 8-9 महकमे च वंडिया जाए, 8-9 दफ्तर बनाए जाए, कारपोरेशन सिर्फ 2-3 महकमे दिते जा, इन्ने महकमे के बीच फसाए हुए आ कि इन्हों को अपने को संभाल नहीं हुंदा, ना समय सिर कोई अफसर मिलता, ना कोई कमिश्नर मिलता, ना कोई वह केयर होंगी। मीटिंग के बीच भी छोड़ो, जी एप्लीकेशन भी दी जाती है, जो अपना अपना IAS अफसर जो होंगे ना वेला हों वो सारों सदी रखता वा काम नहीं कर देता, इस करके जड़िया मीटिंग चलदियाँ वो भी उदू बाद भी जो लोग मिलन आते हैं, मिलन के बाद कल मैं 3 घंटे बैठा रहा। अच्छा, 12:45 बजे आया कि बैठे रहे कि कमिश्नर PI बैठा वह सामने देखता पाया मैं। हाँ जी, 3:45 बजे मैनू जो एंड सद्या गया। हाँ जी, उस मैं जो अपन दसिया मैं क्या इनिया दरखास्तान दतिया मेरिया इतने भी दे गया, नंबर मेरे को लगे हुए हैं, तुम इतों चकते हो जो सीज भेजी है ना, सी आए गां जिन्हों का है BR आए रोड सड़क बनाते लुट के खा गए, 10 लाख की वादी सी सड़क 50 फुट सी, थोड़ा थोड़ा सड़क 50 फुट चौड़िया सी हूँ वो। हाँ जी चलो, मैं दस रहा जो 10-12 लाख की वादी सी लुधियाने की, 50 फुट 52 फुट 60 फुट सड़क सगियाँ, वो सड़कों सपोड़ के हूँ लिया के 11-11 फुट के सीमेंट सड़क बनाती, आले दुआले टाइलों लवादियाँ कि रेहड़ियाँ आई जान, रेहड़ियाँ की इनकम जारी आ, तय बाजारी महकमा खाई जाए 1,00,000 करोड़ रुपए रोज डेली पर 200 तो 250 रुपये लैके 300-500 फड़ी वाले तो 1,000-1,500 रुपये डेली इन्ने रुपये इकट्ठे होंगे आ कि सरकार को सामभ नहीं जाता, इन्होंने को पैसे देने तनखा देने पैसे नहीं होंगे। मैं सुझाव दिना वा कलिया ने पर्चिया हूँ उन्होंने रेहड़ी वाले इन्होंने नहीं करना, कहते जगह दे रहे हैं वो रेहड़िया की जगह दे के रेहड़ियाँ फिर उत्थे लवा देनिया, जिदा स्कूटर मार्केट गिल रोड तो चुकी गई हाई कोर्ट के मैं नाल लग्या रहा जी भारतवास का इतने पुल के हेठा लिया के स्कूटर मार्केट रखती, वो इतने आने के बाद 1,33,556 रुपये पिछली 26-28 तक उन्होंने तो किराया लैना 137 रुपये लीज तो दिती हुई है, उदू बाद 1 साल तो 1.25 साल उपर हो गया अजे किराया लैना, उत्थे गिल रोड से दोबारा मार्केट इन्होंने फिर बनवानी शुरू करती कि जिदा ऐसे रेहड़िया दी जिथे इन्होंने जगह देंगे उदू 800 बना रेहड़िया उही रेहड़िया जी बचन गए उत्थे फिर लग जा रही, समझ लो सारी मिली भगत नाल चल रहे हैं, सड़कों की चौड़ाई घटती जा रही है, आबादी बढ़ रही है, लोग मरते हैं कहते मरन इन्होंने गड्डिया से जाना, कदे स्कूटर से हैलमेट पा के निकलन, हैलमेट भी वो मिलिट्री वाले लोहे का चढ़ाया जाए, बुलेट प्रूफ जैकटा पाई हुई, सिर की प्रोटैक्शन बहुत जरूरी है, इन्हें जिन्हें अफसर आ सवेरे निकलने तो पहला इन्हें सिर पर मिलिट्री वाले टोप चढ़े लोहे का,
तो पता लगता भी हैलमेट की आ होर जो दफ्तर लाल लाइटा होंदिया दूजिया शुरू होंदिया लाल तो उत्थे लोग खड़े पसीने पसीने च हो जाते हैं। उस बाद स्थिति यह है भी जिन्नी सड़क हूँ बन रही पहला मोबलैल के बजरी पाई होंगी है वो घंटे तीन घंटे दो महीने छे महीने बाद जिंदी ट्रैफिक वो खिलर जाती है बजरी उत्तों स्लिप करता मोटरसाइकिल वाला पिछों तेज ट्रक आता उन्हें कुचल दिता हैलमेट भी पाया हों पिछे हैलमेट अज तक इन एफ आई आर दर्ज नहीं ट्रक वाले तो एफ आई आर दर्ज हो जाती है क्योंकि सड़क तो स्लिप किया स्लिप किया क्योंकि बजरी आ उन्हें कोई चक्की नहीं किसी ने बजरी बजरी होंगी सड़क बनी जाती हैं पिछों शेर लगे हुए उपर लैके उपर तक खाई जाते हैं खा के हूँ तो यह रह गया गंदगी भी सज दे गंदगी बदबू मार दी उन्होंने बर्क ला के खा जाएंगे समझ लो पहले इन्ना भ्रष्टाचार फैल चुके कारपोरेशन के एक एक जगह से जिन्ने महकमे आ इन्हों अलग अलग किया जाए सब महकमे का अलग अलग दफ्तर बनाए जाए तो यह बचाया जा सकता नहीं तो सारा रुपया कट्ठा हों इन ए चूस दिया जिदा मौसमियाँ चूसिया जा रही मैं हूँ भी लिख के ले आया कल मैं तीन घंटे बैठने के बाद मेरी कोई फरियाद की गल नहीं हुई हूँ मैं कल कल लिख के ले आया कि नंबर दिते हुए वो दरखास्तें गई कितने जे दरखास्तों का जवाब नहीं देना दरखास्तों को करना नहीं फिर इतने आप इन्ना कुछ मिले भगवंत मान ने कुछ नहीं किया भगवंत मान की बात की गल भी दसदा भगवंत मान की है पहला तो इतने सुनो इतने अफसर लाए हुए हैं अच्छा नब्बे नब्बे लख लख तनखावा हाँ जी एसी गड्डियां नाल नौकर कोठिया बोल ला भी नहीं 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 बोलो तुसी हाँ जब मैं बोल रहा मैं बोल मैं तुम्हें हिंट दे रहा लख डेढ़ लख लख रुपये तो घट किसी तनखा नहीं हाँ जी फिर सिक्योरिटी लगी हुई है पुलिस वेरी गुड फिर एसी गड्डियां एसी कोठियां गैस सिलेंडर फ्री लाइट फ्री हर चीज फ्री फिर भी कम करके राजी सवेरे आते हैं किसी ने कोई चिट्ठी नहीं पढ़नी जे दरखास्त दी है किसी ने दुखी होके वो पढ़ते नहीं साइन किए चल लगे उन्हें अगे साइन किए चल लगे किसी ने नहीं पढ़िया इस करके कट्ठिया होकर बाद मिट्टी कर देंगे इस करके सुधार होना बहुत मुश्किल है इतने भगवंत मान 20 बार जन्म लै लवे हज़ार बार लै लवे मैं जी करप्शन कर उदू बढ़ गई आ बधाई जा रहे हैं जिदा सड़कों पर सड़क घटाई जा रहे हैं टैलों बधाई जाते टैलों लगा के ता कि रेहड़ियाँ लग जाए इन्हों की इनकम बढ़ जाए रेहड़ियों बच्चों लख रुपए की डेली आ डेली की इनकम आ लख रुपए की वो मैं लिख के भी दिखे उत्ते भी पाई है प्रिंसीपल सैकटरी चिट्ठी आई मैं वो भी लिखा सारा भी उपर तक थोड़े को रुपया जाता थोड़े को पता नहीं लगता यानी हर आदमी को पता हों कि गड्डी थाने गई है नवी गड्डी थाने चले जाए उदू बाद कबाड़ होकर निकलू वह नंबर भी ना लगे हो तुसी ये दाल उत्थे कौन लै गया किनू नहीं पता जजां तक हर आदमी नूं पता कित्थे की हो रहा लेकिन वो कहिंदा मैं ड्यूटी करके शाम नूं गड्डी फड़ के घर अपने कहिंदा होर जिहड़े मरदे आ कहिंदा तो मरन लई पैदा होए आ लोक असी थोड़ी मरना मरना तो कहिंदे इन्हां ने आ असी तां लसेंस लै के आए हुए हैं सो कारपोरेशन दे विच मैं इत्थे आना कि 40 रुपए का पेट्रोल फूकदा मेरी 82वां साल मैनूं उम्र का लग गया मैं सीनियर सिटीजन हाँ आरटी एक्टिविटी इन्ने मेरे केस लगे आ उपर तक कमिश्नर जो स्टेट इनफॉर्मेशन कमिश्नर पैसे खाते हैं मेरे इन्ने केसों के उधरों केस डिस्पोज ऑफ कर देंगे दस दें इन्होंने टाइम दे देंगे ए जी आर टी थोड़ू देंगे सारे उपर तक असित सह असित जौली जिन्हें भी आ सारे मैं कहना स्टेट इनफॉर्मेशन कमिश्नर भी बंद किया जाए मैं गवर्नर लिखिया सीएम भगवंत मान लिखिया वह चेयरपर्सन आ गवर्नर उन्होंने दस स्टेट इनफॉर्मेशन कमिश्नर लाता वेद सारे एक कमिश्नर की 4.5 लाख रुपया महीने का खर्चा वो तनखा वो सिक्योरिटी दफ्तर के खर्चे घर के खर्चे असी कहने 10 आदमी 45 लाख रुपया महीने का बच जाए ये आर टी आई बंद की जाए जब उ चलना नहीं नियम बनाने का ही फायदा जो जो नियम बने हुए तो चलना नहीं गा चलना उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा एक मेरी गल सुनो केजरीवाल ने आर टी आई तो कम चालू किया भी लैटर आई से केजरीवाल ने आर टी आई एक्टिविस्ट आज थोड़ा क्यों नहीं सियादा पिया केजरीवाल देखो हाँ जो हमेशा केजरीवाल की सुन लो जो भी उन्हें जिन्ने आदमी से प्रशांत भूप सिंह 2 करोड़ रुपया दिता आम आदमी ने यदि जान पाई आम आदमी उन्होंने साइड तक करता प्रशांत भूषण हूँ मरिया वह प्यो सुप्रीम कोर्ट का जज से उदू बाद जोगिंदर यादव से प्रोफेसर आनंद से मयंक गांधी सगा और कुमार विश्वास से इतने पंजाब के भी असी स्टार्ट की पहला दफ्तर पंजाब का मैं खोलिया किराएनामे मेरे नाम मार रोड से खोलिया फिर उत फिरोज गांधी मार्केट के हूँ तक सारे जिन्हें भी मंत्री हरजोत सिंह बने होर बने सारे इतों निकले हुए सारिया दर्चियां कट्टिया ओरिजिनल रिकॉर्ड मेरे को जे भी इन्होंने मैं बाल पैन नहीं दिता अज तक एक जिन्हों मर्जी कर लें एक कहते जी करप्शन बंद करेंगे करप्शन बंद नहीं हो सकती इन्होंने उन्होंने सब तो होर पैर लाते गोली देती पहला लिटी हुई सी उन्होंने बिठाता
हूँ होर उन्होंने दवाई दे रहे हूँ तुलनी फिरनी शुरू हो जू। सो इस करके सब तो ज़्यादा घपला जोड़ा वा कारपोरेशन के बिच है, नहीं है तो मैं शो करूँगा इतू बाद जिन्हें भी है कितने कितने की हो रहा, मेरे को पूरा रिकॉर्ड अज का नहीं है सारा रिकॉर्ड अज तक कितने कितने की हो रहा कि तो जदों जाते हैं तय बाजारी वाले 269-279 भी चलान कर देंगे वो चलान उत्थे ही रह जाता, बिल्डिंग नवीं बनी जा चलान करता जबकि ढान दे आर्डर आ जोड़ा बिल्डिंग बाई लाभ आज गलत बन रही ढान ढाते नहीं बद तो बद पंजा जहाँ मार के आ जाएंगे ताकि फलदा फुलदा रहे अपना रिकॉर्ड बराबर कर दें। सो मैं अज भी आया सगा मैडम ने मिल एप्लीकेशन दे नहीं है मैं रिसीप्ट दे के जाना साढ़े उत्तर शिमला पूरी सड़क बनाती सड़क ऐदा बनाती उत्थे मंदिर आ भगवान परशुराम मंदिर उतो 2.5 फुट उच्ची बनाती उत्थे मैं कहना अपनी गड्डी लैके उत्थे कितने बहुत उतार लैन दोबारा गड्डी चढ़ूगी नहीं उतो आटो डिगी जाते बंदे न्याणे स्कूलों के डिगी जाते मरी जान जिंद मरी लत्त टुट जान लेकिन वो कहते बंदे मरते हैं भेडा मर रही हैं बंदे नहीं गिनते हैं। तो इन कोई नहीं है इन्हें तो कोई असर नहीं होंगे कोई इन्हों को पूछने वाला नहीं इन्हें तो कोई केस नहीं CBI वाले भी जो पकड़ते थोड़ी देर दे वो भी निल कर देंगे वो भी वो तो कोई सज़ा नहीं अज तक CBI ने भी कराई CBI एडा बड़ा महकमा जो सज़ा नहीं करानी महकमा हजे कहते रखे फायदा की है इस करके जिन्हें भी महकमे रखे सिर्फ एक खाण पीन के एक बहाना दिखावा वा जिदा शो किया कहते कपड़े वधिया अंदर चाहे ठंड लगी जाती बंदा मरी जा रहा उत्तों शोदार कपड़े पाए मैं कहना हो जब थोड़ू रब ने एड्डी बड़ी पावर दी है मैं एक RTI एक्ट मेरे को पैसे ला के रजिस्ट्रियां कराना पब्लिक के हित ही करता मैं अब तक 10 रुपए को अपना टैक्स माफ़ नहीं करवाया पब्लिक के लगिया चाहे सड़कों वा चाहे बिल्डिंगा वा चाहे हर तरह का सीवरेज है वो मैं लगे हुए ये लोग इन तनखाह लैके उन्होंने पूरा काम नहीं कर सकते उन्होंने आर्डर नहीं कर सकते ताकि सुधार हो सके सुधार हो नहीं सकता सेवा लिए समाज लिए देश लिए काम कर रहे हो वो अपने बच्चों लिए कर रहे हैं अपने ढिड भरने कर देने जिन्हें अफसर ने बहुत जी इतने तक करे असली मैं तुम दसन लगे हाँ केंद्र जो बंदा मर जाता वो शमशान घाट जाते उतो देखते की लै गया इन्हें की लैके जाना अगला स्टैप नहीं पता केंद्र नाल जाना नहीं केंद्र दोबारा उस घर में आना नहीं जिदे मार्बल लगवाई जाते करोड़ों रुपए कमाई जाते घर लिए जो तो मर जाता बंदा दोबारा गली च भी नहीं आता घर भी तक ही आना तो अगला स्टैप नहीं पता लुट छुट हुई हुई जाए इन कोई नहीं रोक सकता रब इतों आप भज गया भी मेरिया लत्तें बढ़ते हैं ये लोग कहता हो मैं ये पूरी जी वीडियो सारी नशर की जाए ताकि महकमा जोड़ा इनू जे नहीं है तो महकमे बंद किए जा लोगों ने एवं कहा बिल्कुल बन लैने लुटी जाते हैं इन्ने हज़ार लगू वो लगू दलालों के उत्ते सारा डिपेंड आ सारे पता कितने कितने दलाल आ कौन आ पहले वो बोच लेंगे जिदा कचहरियों में किसी चलान हो बहर खड़े होंगे हाँ भाई इदा इतें भी आ वो इन्ना इन्ना भ्रष्टाचार है ये एडा जवान हो गया अगे बेटियां बेटिया के पोतिया वाला हो गया भ्रष्टाचार ये खत्म नहीं हो सकता इन्ना कहें नमस्कार कर दियो हाँ कोई होर रह गया नहीं बस फिर गल करांगे आपां बलवीर अग्रवाल जी धन्यवाद थोड़ा होर देखे चले गए वो फिर अपने एप्लीकेशन देने गए हैं जो यहाँ पर बेईमानी चोर बुजारी भ्रष्टाचार जो नगर निगम में एक कमिश्नर का दफ्तर है कोई सुनवाई नहीं है कमिश्नर साहब मीटिंग में बैठ रहते हैं जो दूसरे काम करने वाले होते हैं उन्होंने भी सारी दिहाड़ी मीटिंग में बैठाए रखते हैं क्योंकि उन्होंने तनख्वाह लेनी है कुछ करके तो दिखाना है लेकिन कागजों पर साइन करने के अलावा इन कमिश्नर के पास कुछ टाइम नहीं है यही सब बेड़ा गर्क हो रहा होता रहेगा जब तक आप जागोगे नहीं सोच बदलो समाज बदलेगा।